शेर का हिस्सा। एक घनघोर जंगल था, उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे। एक दिन रिछ, भेड़िया, लोमड़ी तथा शेर साथ साथ शिकार करने निकले। शेर इन सब का अगुआ था। शीघ्र ही उन्होंने एक भैंस पर हमला कर उसे मार डाला। लोमड़ी ने भैंस के चार हिस्से किए। सभी जानवर अपना अपना हिस्सा खाने के लिए बेताब हो रहे थे। तभी शेर ने दहाड़ते हुए कहा, सब लोग शिकार से दूर हट जाओ और मेरी बात सुनो। शिकार का पहला हिस्सा मेरा है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का सहयोगी था। दूसरे हिस्से पर भी मेरा ही अधिकार है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का अगुआ था। तीसरा हिस्सा भी मेरा है, क्योंकि यह हिस्सा मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए। अब रहा चौथा हिस्सा, यदि तुम में से किसी को यह हिस्सा चाहिए तो आ जाओ, मुझसे लड़ाई में जीत कर ले जाओ अपना हिस्सा। रिच, भेड़िया और लोमड़ी ने चारों हिस्से शेर को दे दिए और वहाँ से चले गए। चारों हिस्से शेर को दिए और वहाँ से चुपचाप खिसक गए। इस कहानी से शिक्षा, जिसकी लाठी उसी की भैंस।